हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स ऑफ किचन में आज हम बनाएंगे तिलकुटा की रेसिपी। तिलकुट ज्यादातर सकट चौथ पे लोग बायने के लिए बनाते हैं, साथ में ये मकर संक्रांति पर भी बनाया जाता है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही से लगते हैं बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं सफेद तिल और तिल हम ले रहे हैं 1 कटोरी। इन्हें मैंने अच्छी तरह से कर लिया है साफ। अब हम एक ले लेंगे पैन और उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। तो पैन में मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच के करीब देसी घी। ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर। और थोड़े से काजू ले लूँगी 1/4 कप और 1/4 कप ही मैं यहाँ पर बादाम ले रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को तेज नहीं रखेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट भुन गए हैं, इन्हें एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। तो बर्तन में कर लिया है हमने ड्राई फ्रूट को खाली और उसी पैन में ही हम दोबारा से भूनेंगे तिल। तिल को भुनने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। मंदी आंच पे हमें तिल को भुनना है। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है और हमारे तिल भी बिल्कुल भुन गए हैं। तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर कर देते हैं ऑफ और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो तिल ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम एक मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे दरदरा सा यहाँ पर हम पीस लेंगे। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है यहाँ पर और गरम तिल भी नहीं पीसने हैं। तो देखिए तिल पीस गए हैं। इसी पैन में हम इसे खाली कर लेते हैं। तो कलर भी बहुत अच्छा आया है, हल्का सा ब्राउन कलर होना चाहिए तिलकुट का। तो हमने यहाँ पे जितने तिल लिए थे 1 कटोरी, उतने ही हम बूरा लेंगे। बूरा आराम से पंसारी की शॉप पे मिल जाता है, अगर नहीं मिले तो आप पिसी चीनी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। साथ में जाएगा 1 चम्मच इलायची पाउडर, उसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैं कुछ किशमिश डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर देंगे। साथ में कुछ चिरौंजी और हमने जो ड्राई फ्रूट भुने थे काजू और बादाम, वो भी हम इसके अंदर थोड़े से ऐड कर देंगे। बाकी गार्निशिंग के लिए अलग से रख लेंगे। तो ये तिलकुट हमारा बिल्कुल बन के तैयार है और बहुत जल्दी ये बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और साथ में बहुत हेल्दी होता है। तो अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट बचाए थे उससे इसको हम कर देते हैं गार्निश। तिलकुट बिल्कुल बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।